मेरे सभी प्यारे साधक भाई बहनों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। दोस्तों, ये वीडियो मैंने उन बहनों के लिए बनाई है जो प्रतिदिन ग्रह क्लेश से पीड़ित होती हैं एवं उनको सहना पड़ता है, बहुत अधिक सहना पड़ता है। जिनका पति गलत रास्ते पे चला गया, जिनका पति किसी दुर्व्यसन का शिकार हो गया, जिनका पति किसी के पीछे लग करके उनका तिरस्कार करता है एवं वो मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित होते हैं, तो ये दोस्तों लाया हूँ मैं आपके लिए अघोर पति वशीकरण तंत्र। ये तंत्र बहुत सरल तंत्र है। ये तंत्र अपने आप में एक ऐसा तंत्र है, यदि इसको कर दिया जाए तो बुरे से बुरा पति भी अपना रास्ता छोड़ करके साधक के प्रेम में तत्पर हो जाएगा। लेकिन इसका दुरुपयोग न करें। अनुचित प्रयोग के ऊपर भगवान को आपने मुंह दिखाना है, उससे मेरा कुछ नहीं। मेरा तो ये है कि किसी अगर बहन का भला होता हो तो मैं ये साधना उनको दूं। साधना बहुत सरल है और इतनी सरल है कि कोई भी आसानी से इसे कर लेगा। सबसे पहले साधक भाई बहनों, जिसने वशीकरण करना है अपने पति के ऊपर, उसको रखना पड़ेगा एक व्रत। माँ काली के नाम से एवं उनका पूजन करना पड़ेगा। एवं इसमें मैंने एक मंत्र दिया है, उस मंत्र से 10 माला, 10 माला जाप करना है आपको। लाल रंग के आसन पे बैठ करके लाल ही रंग के वस्त्र पहनने हैं और आपका मुंह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए, तब ये मंत्र आपको सिद्ध हो जाएगा। आपने करना क्या है, जब आप व्रत खोलो तो आपको एक नारियल और सिंगार सिंदूर समेत माँ काली को भेंट करना है। मंत्र कुछ ऐसे है, ओम नमो महायक्षिणी पतिम मे वश्यन कुरु कुरु स्वाहा। 1008 जाप संख्या है इसकी। तो ये मंत्र सिद्ध होने के बाद आपने इसका प्रयोग करना है। जब आप इसका प्रयोग करोगे तो कुछ ही दिनों में भटके से भटका पति भी आपके पीछे हो लेगा, आपका कहना मानेगा और आपकी बात को समझेगा। कुछ बातें ऐसी हैं, थोड़ा आप समझो थोड़ा वो समझें। आप भी अगर जिद करते हो तो अपने गुस्से पे काबू करो, क्योंकि ताली दोनों हाथ से बजती है। खुद सुधरोगे तो दूसरे को सुधरने का मौका भी दो। अनुचित कार्य ना करो, अपने जीवन को जितना आप ईमानदारी से जियोगे आपको भी उतनी ईमानदारी मिलेगी। इसमें अधिक समय नहीं लगता। इसमें तीन चीजें हैं, गोरचम योनि रक्तम कदली रस संयुक्तम। अब इन तीनों को हमने पीसना है, इनका एक तिलक तैयार करना है।
मासिक का जो रक्त स्वयं का हो उसमें गोरोचन और केले का रस, तीन चीज़ें हो गई। इन तीनों चीज़ों को मिला के उसको पीस लेना तिलक की तरह। उसको पीसने के उपरांत उस तिलक को कपाल के ऊपर अपने तिलक करना है। जब उस तिलक को पीसोगे 108 बार, आपको उस मंत्र का जो इसमें बताया गया है वीडियो में उसका जाप करना है। भगवती करेंगी आपका पति आपकी बात सुनने लग जाएगा, लेकिन हमें भी ये देखना है कि हम कहाँ सही और कहाँ गलत है। इस चीज़ को ध्यान दीजिए थोड़ा सा इसके ऊपर, अपनी भी गलतियों को सुधारिए, दूसरा तब सुधरेगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। आपके लिए और वीडियो लाने के लिए तत्पर हूँ।